अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर्स एंड उसके हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जिसके अंदर सिंक्रोनस काउंटर्स, ए सिंक्रोनस काउंटर्स, अप एंड डाउन सिंक्रोनस काउंटर्स एंड उसकी कुछ टाइप्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास्टर एंड स्लेव, मास्टर एंड स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप ये क्या होते हैं। मास्टर एंड स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं। हम स्टडी करते हैं कि वो रेस अराउंड कंडीशन क्या है। रेस अराउंड कंडीशन इन जे के फ्लिप फ्लॉप, फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप इफ जे एंड के बोथ आर इज इक्वल टू वन एंड इफ क्लॉक पल्स इज वन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर अगर जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वन हो और हमारे पास क्लॉक पल्स भी इज इक्वल टू वन हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन क्यू आउटपुट विल टोगल एज अ क्लॉक इज हाई। तुम्हारे पास जो क्यू आउटपुट होती है वो टोगल हो जाती है एज लॉन्ग एज क्लॉक पल्स इज हाई, जब तक हमारे पास क्लॉक पल्स क्या रहती है, हाई रहती है, विच मेक्स द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप अनस्टेबल एंड अनसर्टेन, जिसकी वजह से हमारे फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होती है वो अनस्टेबल हो जाती है और अनसर्टेन हो जाती है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द रेस अराउंड कंडीशन इन जे के फ्लिप फ्लॉप। दोबारा समझिएगा, जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वन हो और क्लॉक पल्स हमारी वन हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हमारे पास जो क्यू आउटपुट है वो टॉगल हो जाती है एज लॉन्ग एज द क्लॉक पल्स इज हाई, विच मेक्स द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप जो कि फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को क्या देता है, अनस्टेबल और अनसर्टेन कर देता है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ये क्या है, रेस अराउंड कंडीशन है। दिस प्रॉब्लम रेस अराउंड कंडीशन कैन be avoided by ensuring that the clock input is at 1 only for a very short time. इस प्रॉब्लम को हम इसलिए एक तरह से रिड्यूस कर सकते हैं कि हमारे पास जो क्लॉक इनपुट है उसको हम हमेशा क्या रखें, 1 रखें, ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसके अंदर हमारे पास क्या था, क्लॉक पल्स हाई थी, ठीक है, विच मेक्स द आउटपुट फ्लिप फ्लॉप, और क्लॉक पल्स इज इक्वल क्या थी, 1 थी। इसके बाद ये कह रहा है कि इसके अंदर जो लॉजिक है वो 1 हो ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। दिस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मास्टर स्लेव जे के का फ्लिप फ्लॉप का क्या देता है, कॉन्सेप्ट देता है। अब मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप असल में होता क्या है, द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ टू जे के फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड टुगेदर इन द सीरीज। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बेसिकली हमारे पास कम्बिनेशन होता है टू जे के फ्लिप फ्लॉप का, जिनको सीरीज के अंदर कनेक्ट किया गया होता है। आउट ऑफ दीज वन एक्ट एज अ मास्टर, उनमें से एक जो जे के फ्लिप फ्लॉप होता है वो मास्टर के तौर पर एक्ट करता है और दूसरा स्लेव के तौर पर। द आउटपुट फ्रॉम द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द टू इनपुट्स ऑफ द स्लेव फ्लिप फ्लॉप। द आउटपुट फ्रॉम द मास्टर, मास्टर फ्लिप फ्लॉप से जो आउटपुट आती है उसको कनेक्ट किया गया होता है द आउटपुट द टू इनपुट्स ऑफ द स्लेव फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की जो दो इनपुट्स है ना, मास्टर की आउटपुट को उनकी इनपुट के साथ कनेक्ट किया गया होता है। हुज आउटपुट इज द फीडबैक टू द इनपुट्स ऑफ द मास्टर, जिसकी आउटपुट क्या होती है वो फीडबैक होती है टू द इनपुट्स ऑफ द मास्टर फ्लिप फ्लॉप। इनमें से इसलिए एक मास्टर कहलाता है और एक स्लेव कहलाता है। इन एडिशन टू दीज टू फ्लिप फ्लॉप्स द सर्किट आल्सो इंक्लूड्स अ इन्वर्टर। उसके अंदर हमारे पास एक इन्वर्टर भी लगा होता है। द इन्वर्टर इज कनेक्टेड टू द क्लॉक पल्स इन सच अ वे दैट द इन्वर्टेड क्लॉक पल्स इज गिवन टू द स्लेव फ्लिप फ्लॉप। इन्वर्टर इस तरह लगा होता है कि अगर हमारे पास मास्टर के अंदर पॉजिटिव फ्लिप फ्लॉप जा रही है तो हम इन्वर्टर लगा के उसको नेगेटिव के अंदर दे दें, मतलब कि हमारे पास जो पल्स मास्टर को मिल रही होगी ना, स्लेव को जो पल्स मिलेगी वो उसका उल्ट मिलने चाहिए, इसलिए हम वहाँ पे इन्वर्टर लगा देते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ सी पी क्लॉक पल्स इज इक्वल जीरो फॉर अ मास्टर फ्लिप फ्लॉप देन सी पी इज इक्वल टू वन फॉर अ स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अगर मास्टर के पास जीरो जा रहा है तो स्लेव के पास क्या जाएगा, वन जाएगा फ्लॉप। एंड इफ सी पी इज इक्वल टू वन फॉर मास्टर फ्लिप फ्लॉप, और अगर क्लॉक पल्स मास्टर स्लेव के लिए वन जा रहा है देन इट बिकम जीरो फॉर द स्लेव। तो हमारे पास स्लेव के लिए हमारे पास क्या जाना चाहिए, जीरो जाना चाहिए। अब एक फाइनाइट स्टेट मशीन, फाइनाइट स्टेट मशीन्स को स्टडी करते हैं कि फाइनाइट स्टेट मशीन्स क्या होती हैं। अ स्टेट मशीन इज द सिक्वेंशियल सर्किट हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स अकरिंग इन द प्रीस्क्राइब ऑर्डर। स्टेट मशीन हमारे पास एक सिक्वेंशियल सर्किट है हैविंग लिमिटेड फाइनाइट, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं अकरिंग इन अ प्रीस्क्राइब ऑर्डर, जिसको कि प्रीस्क्राइब ऑर्डर के अंदर होती हैं। अ काउंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट मशीन। स्टेट मशीन की एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल काउंटर है। द नंबर ऑफ स्टेट इज कॉल्ड द मॉडुलस, और जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। टू बेसिक टाइप्स होती हैं स्टेट मशीन्स की, जिनके द मोरे और एंड द मेले। द मोरे स्टेट मशीन इज वन वेयर द आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द इंटरनल प्रेजेंट स्टेट, जो कि इंटरनल प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि मेले स्टेट जो मशीन जो होती है वो वेयर द आउटपुट डिपेंड ऑन द बोथ,
वो बोथ इंटरनल प्रेजेंट स्टेट और एंड ऑन द इनपुट दोनों के ऊपर क्या कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। अगर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसा कि दो टाइप्स थी, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर्स। अब इन दोनों के अंदर माइनर सा डिफरेंस है, पहले हम एसिंक्रोनस के बजाय हम सिंक्रोनस कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर है। द टर्म सिंक्रोनस रेफर्स टू इवेंट्स डैट हैव अ फिक्स्ड टाइम रिलेशनशिप विद ईच अदर। अब सिंक्रोनस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर एक फिक्स्ड टाइम रिलेशनशिप होता है विद ईच अदर, बल्कि दो दो टर्म्स का या दो इवेंट्स का जो है ना आपस के अंदर एक रिलेशनशिप होता है। अ सिंक्रोनस काउंटर इज वन इन विच ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स इन द काउंटर आर क्लॉक एट द सेम टाइम। अब सिंक्रोनस काउंटर हमारे पास एक ऐसा काउंटर है जिसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स काउंटर के अंदर जो फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं वो एट द सेम टाइम जो होती हैं वो क्या होती हैं, क्लॉक होती हैं बाय द कॉमन क्लॉक पल्स। जे के फ्लिप फ्लॉप आर यूज टू इलस्ट्रेट मोस्ट सिंक्रोनस काउंटर्स। डी फ्लिप फ्लॉप कैन ऑल्सो बी यूज बट जनरली रिक्वायर मोर लॉजिक बिकॉज ऑफ हैविंग नो डायरेक्ट टॉगल और नो चेंज। जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस काउंटर यूज करते हैं। अब सिंक्रोनस काउंटर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो पल्स है ना वो क्लॉक पल्स होती है, कॉमन क्लॉक पल्स होती है एट द सेम टाइम, उनके दरमियान आपस में एक रिलेशनशिप होता है। जबकि ए सिंक्रोनस क्या होगा, उसका उल्ट होगा, उनके दरमियान आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि ये देखें, द टर्म ए सिंक्रोनस रेफर्स टू द इवेंट डैट डू नॉट हैव अ फिक्स टाइम रिलेशनशिप विद ईच अदर, सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है, देयर फॉर डू नॉट अकर एट द सेम टाइम। एंड ए सिंक्रोनस काउंटर इज वन इन विच द फ्लिप फ्लॉप विद इन द काउंटर डू नॉट चेंज स्टेट्स एट एग्जैक्टली द सेम टाइम बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कॉमन क्लॉक पल्स। वो अपनी स्टेट को एग्जैक्टली चेंज नहीं करता। सिंक्रोनस में एग्जैक्टली स्टेट चेंज हो जाती थी क्योंकि उनके दरमियान कॉमन क्लॉक पल्स होती थी, लेकिन ए सिंक्रोनस के अंदर कॉमन क्लॉक पल्स नहीं होती, ठीक है, और वो एट द सेम टाइम जो है अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, तो ये ए सिंक्रोनस काउंटर है। आप देख लें, इनके अंदर क्लॉक पल्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ए की क्लॉक पल्स दूसरे की क्लॉक पल्स के साथ क्या है, उनका आपस में दोनों के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक है। द टू बिट काउंटर कनेक्टेड फॉर ए सिंक्रोनस ऑपरेशन, नोटिस दैट द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड टू द क्लॉक पल्स ऑफ ओनली द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। फिर आपने क्लॉक पल्स जो इसके अंदर कह रहे हैं, नोटिस दैट द क्लॉक हिज पल्स इज अप्लाइड टू द क्लॉक इनपुट सी। आपने क्लॉक पल्स अप्लाइड की टू द क्लॉक इनपुट सी, ठीक है। सिर्फ आपने क्या किसको अप्लाई किया, इसको अप्लाई किया, और अगले की क्लॉक पल्स क्या बनी है, इसकी जो आउटपुट हमारे पास निकली है वो अगले की क्लॉक पल्स बनी है, ठीक है। द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप एफ एफ आई इज ट्रिगर्ड बाय द क्यू नॉट आउटपुट ऑफ द एफ एफ ओ, ठीक है। एफ एफ ओ फ्लिप फ्लॉप, इसको जीरो का नाम दिया, इसको वन का नाम दिया, तो एफ एफ जीरो एफ एफ वन, ठीक है। तो वो बता रहा है कि अब जो क्यू नॉट आउटपुट है, जो इसकी आउटपुट हमें मिली थी, एफ एफ नॉट की जो आउटपुट मिली थी, वो अगले की अब क्या बनी है, क्लॉक पल्स बनी है, ठीक है। तो ये इनका आपस में ये रिलेशन होता है। और ये हमारे पास टू बिट के लिए ए सिंक्रोनस है, टेबल है टू बिट के लिए। ये हमारे पास थ्री बिट के लिए, और ये सिंक्रोनस है। इनका जो आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये देखें, अब इसकी क्लॉक पल्स और इसकी क्लॉक पल्स का आपस में क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये कॉमन क्लॉक पल्स होती है वो एट द सेम टाइम होती है, और वो अपनी स्टेट को क्या करते हैं, इजिली चेंज करते हैं। अगर जे के फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो वो हमारे पास इस तरह होगा, जिसको करने के लिए सॉल्व करना इजी है, जबकि डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर इस तरह होता है। इसके अंदर इसने बताया भी था कि हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज टू इलस्ट्रेट मोस्ट सिंक्रोनस काउंटर्स। डी फ्लिप फ्लॉप कैन आल्सो बी यूज बट जनरली रिक्वायर्ड मोर लॉजिक, क्योंकि उसके लेकिन उसके अंदर ज़्यादा लॉजिक होती है बिकॉज ऑफ हैविंग नो डायरेक्ट टॉगल, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट टॉगल नहीं होती, नो चेंज स्टेट। ये हमारे पास थ्री बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर है, इसको जस्ट आपने देख लेना है। और ये हमारे पास थ्री बिट के लिए टेबल है। अब हमारे पास क्या है, अप एंड डाउन सिंक्रोनस काउंटर्स। अब अप एंड डाउन सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास कोई एक कभी अप स्टेट आती है, कभी डाउन स्टेट आती है, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास जीरो से फाइव जा रहा है तो हमारे पास अप स्टेट है, फिर फोर थ्री टू डाउन आ रहा है तो इसको डाउन स्टेट हो जाएगी, फिर अप स्टेट आ रही है, फिर डाउन स्टेट आ रही है। एंड अप एंड डाउन काउंटर इज वन डैट इज कैपेबल ऑफ प्रोग्रेसिंग इन आइदर डायरेक्शन थ्रू अ सर्टेन सीक्वेंस। अप एंड डाउन काउंटर एक ऐसी मतलब कि एक ऐसा काउंटर है जो कि कैपेबल होता है डायरेक्शन को प्रोग्रेस करना थ्रू अ सर्टेन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के साथ। एन अप एंड डाउन काउंटर समटाइम्स कॉल्ड द बाई डायरेक्शनल काउंटर, इसको हम बाई डायरेक्शनल काउंटर भी कहते हैं, कैन हैव एनी स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ स्टेट, जिसके अंदर कोई भी स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स होती हैं। अ थ्री बिट बाइनरी काउंटर डेट एडवांसेस अपवर्ड थ्रू इट्स सीक्वेंस जीरो और थ्री, देन अगर हम थ्री बिट
अगर हम 3 बिट बाइनरी काउंटर स्टेट्स की बात करें तो वो अपवर्ड थ्रू उसकी जो सीक्वेंस होती है 0 से 7 एंड देन कैन बी रिवर्स सो डैट इट गोज़ थ्रू द सीक्वेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हमारे पास डाउनवर्ड हो जाएगी। तो ये था हमारे पास अप एंड डाउन सेंक्रोनस काउंटर्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मास्टर और स्लेव फ्लिप फ्लॉप को स्टडी किया एंड देन काउंटर्स की टाइप्स को हमने स्टडी किया, जिसके अंदर सेंक्रोनस काउंटर्स, एसिंक्रोनस काउंटर्स, अप एंड डाउन सेंक्रोनस काउंटर्स को स्टडी किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।